वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जावा के बारे में। तो कुछ लेक्चर्स में जावा के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं। तो इस वीडियो का बनाने का मेन मोटिव ये था कि आप लोग कैसे जावा को प्रैक्टिकली कर पाएंगे, तो उनके बेसिक टर्मिनोलॉजी को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि जावा क्या होता है और जावा के मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं। पहले 5 मिनट्स को अंडरस्टूड कर लेते हैं, इसके बाद फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, वेल देखिए, यहाँ पे जैसा कि बताया गया, जावा इज़ एन हाई लेवल लैंग्वेज। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका यूज़ बेसिकली हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए करते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो इसमें हमने आप लोगों को जावा की हिस्ट्री बताई थी, जिसमें जावा इज डेवलप बाई जेम्स गोसलिंग एंड सन माइक्रो सिस्टम इन 1991। और जब ये डेवलप किया गया था, इसका नाम ओक था, और ये 1995 में इसका नाम जावा रखा गया। और इसके साथ ही देखिए, जावा के आप स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, तो जावा में हम लोग जो प्रोग्राम राइट डाउन करते हैं, वट एवर प्रोग्राम यू हैव रिटन जावा। तो देखिए, थोड़ा सा इसको समझिए। सपोज करिए, कि हम कोई प्रोग्राम राइट डाउन कर रहे हैं। सपोज वी हैव रिटन इन प्रोग्राम, सपोज करिए हमने कोई प्रोग्राम राइट डाउन किया विद द हेल्प ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हमने एक प्रोग्राम राइट डाउन किया, और ये जो प्रोग्राम हमने राइट डाउन किया, वी नीड अ कंपाइलर फॉर कंपाइलिंग द प्रोग्राम। हमने यहाँ प्रोग्राम राइट डाउन किया, जो हमने प्रोग्राम राइट डाउन किया किस लैंग्वेज में, जावा में। जावा का यूज़ करके हमने प्रोग्राम राइट डाउन किया, तो जो हमारा प्रोग्राम है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम लोग जावा कंपाइलर का यूज़ करेंगे। जावा कंपाइलर काम क्या होता है, इट्स कन्वर्ट जैसे आपको बताया गया कि आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोई सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हैं, तो उसके जो कंपाइलर्स होते हैं, जब हम कोड को कंपाइल करते हैं, तो एक्चुअली करते क्या हैं, दे कन्वर्ट इट इन टू मशीन कोड। लेकिन जावा के साथ ऐसा नहीं होता है। जावा में जब हम कोई प्रोग्राम को राइट डाउन करते हैं, तो इसका कंपाइलर, जावा कंपाइलर करता क्या है, आपके प्रोग्राम को इंटरमीडिएट कोड, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइट कोड, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और बाइट कोड एक्चुअली होता क्या है, इट इज़ एन इंटरमीडिएट कोड जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, इसका एक्सटेंशन डॉट क्लास होता है। सपोज करिए कि आपने कोई प्रोग्राम राइट डाउन किया हेलो डॉट जावा, हेलो डॉट जावा। तो यहाँ पे जो इसका बाइट कोड क्रिएट होगा, हेलो डॉट क्लास, क्या क्रिएट होगा आपका, हेलो डॉट क्लास। यानी कि जब हम कंपाइल करेंगे, तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट होगा जिसको हम लोग बाइट कोड कहते हैं। और यही बाइट कोड जावा का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है, जिसके रिगार्डिंग ये लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस बनती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इन द सेंस, सपोज करिए कि आपने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे,
आपका ये डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर इट कैन रन ऑन द एनी प्लेटफॉर्म, यानी कि आप इसको किसी प्लेटफॉर्म पे आप रन कर सकते हैं। तो जो इंटरमीडिएट कोड है, सभी लोगों को पता है कि जो इंटरमीडिएट कोड है वी नीड टू चेंज इनटू द मशीन कोड। जब ये मशीन कोड में कन्वर्ट होगा तभी ये क्या होगा, रन करेगा। तो इसके लिए जो आपका टारगेट मशीन है, यानी कि जहाँ पे इसको रन करवाना है, एंड दैट मशीन वी नीड टू इंस्टॉल एंड JVM। हमें क्या चाहिए? JVM। JVM स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। JVM क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो किस पर्टिकुलर मशीन पे इंस्टॉल किया जाता है। सपोज करिए आप कौन सा इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हैं, सपोज करिए कि आप यूज़ कर रहे हैं लिनक्स, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो आपको लिनक्स पे क्या इंस्टॉल करना होगा? JVM इंस्टॉल करना होगा। और JVM क्या करता है कि आपके बाइट कोड को मशीन एक्सिक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इट्स कन्वर्ट इनटू द मशीन कोड। वेल, यानी कि हम लोग जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्राम हम लोग राइट डाउन करते हैं, दैट प्रोग्राम कंपाइल बाय द जावा कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से इस प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है, और बीच में इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है हेलो डॉट क्लास, यानी कि जो भी आपका जावा का प्रोग्राम होगा उसका एक्सटेंशन के साथ यहाँ पे क्लास, यानी कि आपका जो आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट कोड जो बाइट कोड होगा उसका एक्सटेंशन क्लास होता है। और जब इस क्लास फाइल को JVM के थ्रू पास किया जाता है, यानी कि अगर इसको क्लास फाइल को यानी कि इस बाइट कोड को JVM द्वारा रन करवाया जाता है, सपोज़ करिए कि आपने जो सॉफ्टवेयर क्रिएट किया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि विंडोज़ पर रन करवाना है, लिनक्स पर रन करवाना है, या फिर किसी भी ऑपरेटिंग मैक ओएस पर रन करवाना है, तो किसी भी ओएस पर रन करवाना है तो उस मशीन पर आपको JVM इंस्टॉल करना होगा। और JVM इंस्टॉल करने के बाद आपका सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पर रन कर पाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा, दैट्स वाई इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। दैट मीन्स अ प्रोग्राम रिटन इन दिस लैंग्वेज कैन रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, यानी कि अगर आप C++ की बात करें तो आपने जो प्रोग्राम राइट डाउन किया हुआ है विंडोज़ के लिए तो विंडोज़ के लिए रन करेगा, लेकिन इसमें आपने जो प्रोग्राम राइट डाउन किया हुआ है इट कैन रन ऑन द एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट्स वाई इट कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। ओके, तो एक्चुअली हम लोगों का जो मेन मोटिव ये था, जो अंडरस्टूड करना था, वो ये अंडरस्टूड करना था कि यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने बताया था कि जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1995 में डेवलप हुई और फर्स्ट टाइम JDK 1996 में लॉन्च किया गया, जावा डेवलपमेंट टूल किट। तो JDK का काम क्या होता है? JDK बेसिकली यूज फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर्स। ओके, आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा समझने की कोशिश करें। सपोज करिए कि हमें एक जावा प्रोग्राम राइट डाउन करना है, सो इन दैट केस फॉर राइटिंग जावा प्रोग्राम व्हाट वी नीड, फॉर राइटिंग द जावा प्रोग्राम वी नीड एन एडिटर। हमें एक एडिटर की जरूरत होगी जिसका यूज़ करके हम प्रोग्राम को राइट डाउन कर सकें। तो एडिटर के तौर पे हम लोग नोटपैड ले सकते हैं, ठीक है। एडिटर के तौर पे हम लोग क्या ले सकते हैं? वी कैन सेलेक्ट नोटपैड एज एडिटर। देखिए यहाँ पे नोटपैड है और जावा नेट बीन्स है, अपैचे नेट बीन्स है, ये अलग अलग नेट बीन्स के सॉफ्टवेयर्स हैं। ये भी इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं एडिटर के लिए, यानी कि इनको भी एज एडिटर यूज़ किया जा सकता है। जैसे आपको बताया गया कि आपने जो प्रोग्राम राइट डाउन किया हुआ है, तो आपके द्वारा जो लिखा हुआ प्रोग्राम्स है, देखें यानी कि आपने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसको कंपाइल करते हैं, यहाँ पे जावा कंपाइलर के हेल्प से आप इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करते ये प्रोग्राम आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? दैट प्रोग्राम गेट कन्वर्टेड, यहाँ पे आपका जावा कंपाइलर होगा, ठीक है। जावा कंपाइलर यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या क्रिएट करेगा, क्लास कोड या क्लास फाइल जनरेट करता है, तो उसी रिगार्डिंग आपका प्रोग्राम रन होता है। देखिए यहाँ पे, यानी कि
अगर आपको जावा का प्रोग्राम रन करवाना हो तो उस केस में हमें क्या चाहिए? हमें एक एडिटर चाहिए। तो एडिटर के तौर पे हम लोग नोटपैड ले सकते हैं। इसके बाद जो फाइल होगी वो फाइल जनरेट होगी, उस फाइल को हम लोग फाइल नेम डॉट जावा के नाम से सेव करेंगे। देन आफ्टर जावा कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा। इसके बाद बाइट कोड आपके फाइल का जनरेट होगा, फिर JVM पे ये फाइल को रन करवाया जाएगा। तो JVM में कुछ स्टेप्स होते हैं, इंटरनल प्रोसेस होते हैं, जिसमें आपका क्लास लोडर है, बाइट कोड वेरिफिकेशन है, इंटरप्रेटर है, और फाइनली आपका जो प्रोग्राम है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एंटी, विंडोज 10, लिनक्स, macOS, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम जावा प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं हियर, तो जावा कंपाइलर जावा लाइब्रेरीज को देखता है। जावा लाइब्रेरीज क्या होती हैं? कुछ बेस्ड लाइब्रेरीज होती हैं जिसके रिगार्डिंग जो जावा में प्रोग्राम हम लोग राइट डाउन करते हैं, उनके सिंटैक्स कैसे हैं, और उसमें जो बेस क्लासेस हैं उनका यूज़ किया जाता है, तो उसके रेफरेंस के रिगार्डिंग जावा लाइब्रेरीज का यूज़ किया जाता है। यानी कि प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं, पैकेज होते हैं, जिसके रिगार्डिंग जावा में हम लोग प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। तो सारे सिंटैक्स को चेक करने के लिए जावा कंपाइलर जावा लाइब्रेरी को कॉल करता है। वैसे ही JVM में जो यहाँ पे क्लास कोड आपका जनरेट हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे JVM में जो आपने क्लास कोड यानी कि आपने जावा कंपाइलर से जब प्रोग्राम को कंपाइल किया तो क्या जनरेट हुआ? इट जनरेट बाइट कोड। तो बाइट कोड जब यहाँ पे JVM पे सेंड किया जाता है रन करने के लिए, तो JVM जो क्लास कोड है उसको क्लास लोडर लोड करता है, फिर बाइट कोड वेरिफिकेशन उसको वेरीफाई किया जाता है, इसके बाद इंटरप्रेटर उसको रन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें एक्चुअली जो क्लास कोड है इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस इस लाइब्रेरी में यानी कौन सा सिंटैक्स है उसी के रिगार्डिंग ही आपका एक क्लास कोड जनरेट होता है। यहाँ पे लाइब्रेरी को कॉल किया जाता है रेफरेंस के लिए। तो अब हम समझेंगे कि हम जावा में प्रोग्राम को कैसे रेडाउन करेंगे। फीचर्स वगैरह हम लोगों ने हमने डिस्कस कर दिए हैं। अगर फीचर्स के बारे में कोई डाउट हो तो फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए इसके फीचर्स भी हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि जावा के इंपॉर्टेंट फीचर कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट फीचर आप जावा। तो जब इसका नोट्स देंगे तो इसमें सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। देखिए इंपॉर्टेंट फीचर्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सेकेंड है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है, थर्ड सिक्योर प्रोग्राम, सिंपल लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लाइव क्लासेस को अगर किसी का लेक्चर मिस हो गया तो उसको आप देख सकते हैं। तो आज का मेन मोटिव है कि हम लोग कैसे प्रैक्टिकली वर्क करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए आपको करना क्या होगा? हमने आपको बताया था कि जब जावा लॉन्च हुआ था यहाँ पे, जब जावा 1995 में लॉन्च हुआ था यहाँ पे, 1995 जब जावा को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो उस समय जेम गोसलिंग ने 1995 में जावा को लॉन्च किया। तो जब जावा लॉन्च हुआ था उस समय, तो उस केस में जो 1995 में जावा लॉन्च हुआ था, तो उसके बाद तो JDK 1 कौन सा वर्जन? JDK 1.0 JDK 1.0 1996 में रिलीज़ किया गया। तो इस JDK 1 का यूज़ जावा डेवलपमेंट किट यानी कंप्लीट सॉफ्टवेयर का किट होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग जिसका यूज़ करके हम लोग जावा प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली ये इसमें जावा प्रोग्राम को राइट डाउन कैसे किया जाता है और JDK होता क्या है। अगर JDK की बात करें तो देखिए JDK में दो चीज़ें होती हैं, कंपाइलर और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। पहले आपको इसको प्रॉपरली समझना होगा कि आप लोग को पता है कि कंपाइलर काम क्या होता है, एक कोड को कंपाइल करना, यानी कि हम लोग जो जावा प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी जावा प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं तो करता क्या है, एक कोड को कंपाइल करता है। यानी कि हमने जो जावा प्रोग्राम लिखा यहाँ पे, ये जावा प्रोग्राम जो हमारा कंपाइलर है, कंपाइलर है ना, एक कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा और क्लास कोड को जनरेट करेगा। ठीक है, अभी क्लास कोड जाता है JVM को। देखिए यहाँ पे JDK में
दो चीज़ें होती हैं, एक कंपाइलर, यानी कि जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, तो हमें कंपाइलेशन की ज़रूरत होती है, और कंपाइलेशन हमारे इंटरमीडिएट कोड क्लास कोड को जनरेट करता है। देखिए यहाँ पे कंपाइल करते हैं तो हमारा एक क्लास कोड यहाँ पे बाइट कोड जनरेट हो रहा है। अब इस बाइट कोड को जब रन करवाना होगा तो हमें JVM की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा इसको और हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए JDK, JRE और JVM कंपाइलर, ये इतनी चार चीज़ें आप लोगों को दिख रही हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो पहले हम अंडरस्टूड करते हैं कि JDK क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट। अगर किसी प्रोग्राम को डेवलप करना है तो JDK का एप्लीकेशन आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना होगा, पहला काम। तो JDK में क्या क्या होता है, इफ़ यू वांट टू डेवलप एन एप्लीकेशन इन जावा द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू इंस्टॉल JDK ऑन योर मशीन, यानी कि पहला स्टेप है कि JDK आपके मशीन पे इंस्टॉल करना होगा। तो JDK में दो तीन चीज़ें होती हैं, देखिए क्या क्या होता है, कंपाइलर, ठीक है, जो प्रोग्राम को कंपाइल करता है। सेकंड होता है JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में एक्चुअली होता क्या है, देखिए JDK होता है वो कंपाइलर और JRE का कम्बिनेशन होता है, क्योंकि आप जिस मशीन पे जावा प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं उसको वहाँ पे रन भी तो करवाएंगे, यानी कि जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं वहाँ पे उसको रन करवाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो रन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अगर जावा का कोई प्रोग्राम है जिसको रन करवाना है तो इन दैट केस वी नीड टू इंस्टॉल JVM या जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए हमने कहा था कि जब हम जावा के प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, देखिए पिछले वाले थोड़ा सा इसको देखिए क्लियर होगा। देखिए हम जो जावा प्रोग्राम को हम लोग डेवलप करते हैं तो एक क्लास लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है, एक क्लास लाइब्रेरी, दिस क्लास लाइब्रेरी इज यूज्ड बाय जावा कंपाइलर आल्सो एंड JVM आल्सो। ये जो कॉमन क्लास लाइब्रेरी है जिसको JVM और कंपाइलर दोनों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें जो मेन मोटिव यही था कि जो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है उसके पास भी क्लास लाइब्रेरी होती है जिसका यूज JVM यूज़ करता है, और कंपाइलर को भी क्लास लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम किसी प्रोग्राम को डेवलप करेंगे तो उस केस में हमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे JDK, इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ कंपाइलर, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जिसके अंदर JVM होता है। तो इसको हम थोड़ा सा अलग अलग पोर्शन में अगर करके डिस्कस करें तो आप देखेंगे कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लास लाइब्रेरी और JVM, और कंपाइलेशन के लिए क्लास लाइब्रेरी और कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि JDK में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंपाइलर, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट एंड JVM, ठीक है, और जो JRE होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, इसमें क्लास लाइब्रेरी और JVM, यानी कि जो फाइनल डेस्टिनेशन मशीन है जहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर को रन करना है, डेवलप नहीं करना है, तो हमें JRE चाहिए, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए। तो इसमें क्या होगा, क्लास लाइब्रेरी और JVM होता है। अगर हमें सॉफ्टवेयर को डेवलप भी करना है और टेस्ट भी करना है कि प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि आप सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे टेस्ट जरूर करेंगे, तो उस केस में हमें कंपाइलर और JRE दोनों ज़रूरत होती है। यानी कि हम लोग जब JDK इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हमारा कंपाइलर भी होता है और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट भी होता है, इसको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम ये होता है कि जब हम प्रोग्राम को राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, तो प्रोग्राम राइट डाउन करने के बाद हमें इसको कंपाइल करना होता है। तो कंपाइल करने के लिए JavaC फाइल नेम डॉट जावा, और प्रोग्राम को रन करने के लिए, यानी कि जैसे आप कंपाइल करते हैं, देखिए यहाँ पे, तो आपने क्या किया, आपने लिखा कोई प्रोग्राम हेलो डॉट जावा, ठीक है, हेलो हेलो डॉट जावा आपने लिखा, प्रोग्राम एक लिखा,
जिसमें हेलो प्रिंट कर रहा है, तो हेलो डॉट जावा लिखा, तो होगा क्या कि अगर इसको कंपाइल करना है तो कंपाइलेशन के लिए एक कोड होता है जावा सी। जावा सी का मतलब ये जावा कंपाइलर को कॉल करेगा, और किसको कंपाइल करना है, जावा मशीन को, जावा फाइल को कंपाइल करना है, फाइल नेम डॉट जावा। इसके बाद इस प्रोग्राम को रन करना होगा JVM पे। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इसको कंपाइल करने के लिए यूज़ करेंगे जावा सी। जावा सी ठीक है, ये क्या है, कंपाइलर है जो इस प्रोग्राम को कंपाइल करके एक इंटरमीडिएट कोड इसमें जनरेट करेगा। ठीक है, अब जो क्लास कोड जनरेट हो गया, अब इसको रन करवाना है, तो इसको रन करवाने के लिए JVM पे हम लोग क्या टाइप करते हैं, जावा। जावा क्या है, दिस इज़ एक्चुअली JVM, जावा वर्चुअल मशीन को कॉल करता है, और ए जावा और एक क्लास, जैसे यहाँ पे फाइल क्लास जनरेट हुई ना, जैसे मान के लिए कि यहाँ पे क्या होगा, इसको कंपाइल करेंगे क्या जनरेट होगा, हेलो डॉट क्लास, हेलो डॉट क्लास होगा ना। अब यहाँ पे जावा हेलो कर देंगे, ये लिखा हुआ है जावा हेलो, फाइल नेम है, तो जावा यहाँ पे हेलो करेंगे। ठीक है, और जैसे इसको कंपाइल करेंगे हमारा आउटपुट जनरेट होगा। तो सबसे पहले काम आपको ये करना होगा कि आपको ओरेकल की साइट पे जाके जो सबसे लेटेस्ट वर्जन जावा का है, तो उसको आपको अपनी मशीन पे डाउनलोड करना होगा। ठीक है, सपोज़ करिए मेरे पास इसका डाउनलोडेड वर्जन पड़ा हुआ, उसको हम आपको दिखा दे रहे हैं कि जो सबसे एडवांस वर्जन है जावा का, तो इसको हम लोग देखते हैं। अबे यार ये सब क्या बोले, डी ड्राइव में ही होगा, देख लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का फोल्डर देखिए, इस सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर में हमने यहाँ पे JDK 13.1 जो लेटेस्ट वर्जन है पिछले साल का डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेटअप को रन करवा लेंगे। सेटअप रन करने में थोड़ा टाइम लेगा, तो तब तक हम वेट करेंगे, तब तक बाकी चीज़ों को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम सबसे पहले हमें काम क्या होगा, बिफोर कंपाइलेशन ऑफ जावा प्रोग्राम एंड एक्सक्यूशन ऑफ ऑल जावा प्रोग्राम वी फर्स्ट इंस्टॉल द JDK, यानी कि पहला स्टेप क्या होगा, वी नीड टू इंस्टॉल द JDK। देखिए इफ़ यू वांट टू अलाउ फॉलोइंग प्रोग्राम्स टू बी मेक चेंजेस इन कंप्यूटर्स, ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल है, लेकिन आप लोगों को करके दिखाना है, इसलिए हम यहाँ से एस कर देते हैं। जैसे एस करेंगे, इस प्रोग्राम का एक्सक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये रन करेगा, और रन करने में कुछ टाइम लग सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। दिस सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हैज़ बीन इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, डू यू वांट टू रीइंस्टॉल इट, चलिए इसको यस कर देते हैं। जैसे आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप लोगों को नॉलेज नहीं होगा, सबसे पहले हमारा काम क्या है कि JDK को डाउनलोड करना। ओके, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन को क्लोज़ करने के लिए कह रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम जब इसको क्लोज़ करेंगे तो हमारा ये काम करना बंद कर देगा, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। और जब ये सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके सी ड्राइव में, आप इसको अगर चेक करना चाहें इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो माई PC पे जाके आप सी ड्राइव में यहाँ पे जावा का फोल्डर पड़ा होगा कहीं पे, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं कि जावा इंस्टॉल है कि नहीं है। ये रहा जावा, जावा के फोल्डर में देखेंगे तो JDK देख रहे हैं 13.1 यहाँ पे इंस्टॉल पड़ा हुआ है। जब जावा इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके सिस्टम में इस टाइप का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप क्या है कि जावा प्रोग्राम को अपने सिस्टम पे प्रॉपरली रन करवाने के लिए हमें करना क्या होगा, इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। वी नीड टू कॉन्फ़िगर इट, जैसे हमने आपको बताया, देखिए यहाँ पे कि जब हम प्रोग्राम को राइट डाउन करते हैं
तो हम प्रोग्राम को राइट डाउन करने के लिए हम किसी एडिटर का यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड का यूज़ कर सकते हैं या नेटबीन्स। विंडोज़ 10 में नेटबीन ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, तो इसको आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ सकता है। तो कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे? देखिए, कॉन्फ़िगर करने के दो तरीके हैं। तो जो पहला तरीका है इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे एक जो पहला है, इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हम सिस्टम वेरिएबल से। तो पहले हम दूसरे तरीके से इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, यानी कि जावा प्रोग्राम को रन करने से पहले हमें इसका पाथ सेट करना होता है जावा प्रोग्राम का, ठीक है। तो पाथ कैसे सेट करते हैं? वी कैन सेट द पाथ इन टू वे। तो पहले जो दूसरा दिया हुआ है इसमें सिस्टम प्रॉपर्टीज, यानी कि सिस्टम प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम लोग इसका पाथ कैसे सेट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो हैं किसी जावा प्रोग्राम को बिफोर कंपाइल, देखिए यहाँ पे इसको पहले देख लीजिए, जो जो लाइन्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बिफोर कंपाइलेशन ऑफ एनी जावा प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम, फर्स्ट वी नीड टू इंस्टॉल JDK, यानी कि हमको JDK इंस्टॉल करना होगा। देन आफ्टर इंस्टॉलेशन वी नीड टू सेट द क्लास पाथ फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम। और जावा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए हमें क्लास पाथ को सेट करना होगा। और क्लास पाथ सेट करने के दो तरीके हैं, पहला आपका बाय यूजिंग द कमांड प्रॉम्प्ट और सेकेंड बाय यूजिंग द सिस्टम प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हम एक एक करके दोनों को देखेंगे। तो अगर आपको क्लास पाथ, तो क्लास पाथ करने के लिए आप करेंगे क्या कि आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लीजिए। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाने के बाद जिस ड्राइव में आपको जाना हो तो आप उस ड्राइव में जा सकते हैं। सपोज कि आपको सी में जाना हो या डी में जाना हो या ई में जाना हो, सपोज कि हमें ई में जाना है, टी ड्राइव में हम जम कर गए, ठीक है। और जंप करने के बाद हमें क्लास पाथ को सेट करना है। तो सेट करने के लिए जैसे यहाँ बताया गया कि क्या करना होगा, सेट पाथ, ठीक है। क्या करना है? वी नीड टू राइट डाउन द गिवन कमांड सेट पाथ। देखिए यहाँ पे किसी ड्राइव में जाके, किसी फोल्डर में जाके आप किसी पर्टिकुलर फोल्डर के लिए पाथ को सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे आपने एक बार पाथ सेट कर दिया, फिर नेक्स्ट टाइम इसको रन करवा रहे हैं फिर से पाथ सेट करना पड़ेगा। तो बेस्ट वे होता है कि आप सिस्टम वेरिएबल को अगर एक बार सेट कर देंगे तो आप जहाँ भी रन करवाएं काफ़ी आसानी से आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। तो हम यहाँ से एक बार सेट करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सेट पाथ, ठीक है, सेट पाथ। अब सेट पाथ का देखिए सिंटैक्स है, हमें सिंटैक्स बिल्कुल फॉलो करना होगा। सेट पाथ इज इक्वल टू, ठीक है। तो हमारा पाथ कौन सा है? देखिए हमारा पाथ JDK और यहाँ पे जो बिन लाइब्रेरी है इसके अंदर ये जो कंटेंट है ये हमारा पाथ हमें वहाँ पे चाहिए, ठीक है, बिन लाइब्रेरी के अंदर। क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंट फाइल्स हैं, ठीक है, ये सारी फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। जब कंपाइलेशन करते हैं तो इन सारी फाइल को वहाँ पे कॉल किया जाता है। बिन को ही क्यों कॉल करते हैं? देखिए बिन में देखिए बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये सारी फाइल्स वहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे इसमें जावा कंपाइलर भी है, JVM भी है, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, क्लास फाइल का लिंक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो हमें पाथ को सेट करना होता है। तो हम यहाँ पे इक्वल टू साइन प्रेस करते हैं। अब प्रेस करने के बाद वो कंप्लीट पाथ यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं, ठीक है। अब इसको एंटर प्रेस, पाथ सेट हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे एरर जनरेट कर देगा, अगर नहीं कोई प्रॉब्लम है तो ऑलरेडी ऐसे रन कर जाएगा। तो ऐसे पाथ सेट करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका पाथ सेट हुआ कि नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे लिखिएगा जावा सी या जावा, ऐसे जावा ही लिखिएगा और चेक करिएगा प्रोग्राम कुछ लाइन रन करेगा। अगर आपका पाथ सेट हो गया तो कुछ लाइन ऐसे रन करेगा, ठीक है। यानी कि आपका पाथ क्या हो चुका है? सेट हो चुका है। यानी कि आप चाहें तो अब जावा प्रोग्राम को राइट डाउन करके रन करवा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका हमने बताया कि वी कैन सेट द पाथ बाय यूजिंग द सिस्टम वेरिएबल्स। तो सिस्टम वेरिएबल्स से कैसे करते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पाथ सेट करने के लिए हम अपने पर्टिकुलर डिवाइस के ड्राइव पे जाएंगे, और वेयर इज माय पीसी,
इस पे राइट माउस क्लिक करेंगे, जैसे आपका जो सिस्टम का लिंक होगा, राइट माउस क्लिक करने के बाद आप जाएंगे, देखिए एडवांस सेटिंग में जाएंगे। एडवांस सेटिंग में यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स दिया हुआ है, तो जब हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेट कर रखा है, तो अगर अब देखिए कैसे सेट किया जाता है, अगर आपको नया डालना हो तो यहाँ पे न्यू कर देंगे, ठीक है। जैसे न्यू करेंगे तो वेरिएबल का नाम पूछेगा, सपोज करिए कि जावा, जावा हमने प्रेस किया, और जो पाथ सर ने सेट किया था, यानी कि जो सी प्रोग्राम फाइल्स जेडीके जो उसका वर्जन है, और बिन लाइब्रेरी, यानी कि इस तरह से डायरेक्टरी को आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा, जो भी लेटेस्ट, सपोज करिए अगर आपके पास 7.5 है या 8 है या जो भी वर्जन होगा जावा का, तो उसका पाथ यहाँ पे सेट करना होगा, ठीक है। इसके बाद हम ओके बटन पे प्रेस करेंगे, जैसे ओके प्रेस करेंगे हमारा पाथ सेट हो जाएगा, और इसके बाद डायरेक्टली हमें प्रोग्राम को रन करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। जब तक आप इन दो स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप इन दो स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि दो स्टेप्स में से कोई एक स्टेप, या तो आप कमांड प्रॉम्प्ट से कर सकते हैं, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट से प्रॉब्लम यह होती है कि इसमें हर बार जितनी बार प्रोग्राम को रन करवाना होता है, यानी कि जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाके आपको पाथ सेट करना पड़ता है। अगर आपने सिस्टम वेरिएबल थ्रू सेट कर दिया तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती, बस एक बार आप जाके सिस्टम वेरिएबल थ्रू सेट कर दीजिए, इसके बाद अपने प्रोग्राम को रन करते रहिए। जैसे हमने आपको बताया था कि प्रोग्राम राइट डाउन करने के लिए, ठीक है, प्रोग्राम राइट डाउन करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड एडिटर, ठीक है। कोड राइट डाउन करने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर चाहिए, जिसमें नोटपैड, नेटबीन्स, अपाचे नेटबीन्स। तो हमने बताया था कि नेटबीन्स आपके विंडोज 10 में, अगर आपके पास विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें इंस्टॉल होता है, उसको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप नेटबीन्स गूगल पे सर्च करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा सिंपल तरीका है बाय यूजिंग द नोटपैड, ठीक है। तो चलिए हम एक सिंपल प्रोग्राम राइट डाउन करते हैं नोटपैड का यूज़ करके। ठीक है, यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम राइट डाउन किया। देखिए जब भी हम कोई प्रोग्राम राइट डाउन करते हैं, तो हमें उसका सिंटैक्स पता होना चाहिए कि इसका सिंटैक्स टाइप भी होता है। देखिए एक जब भी प्रोग्राम राइट डाउन करेंगे तो कुछ इस टाइप का सिंटैक्स होता है कि हमें एक मेन क्लास को क्रिएट करना होता है। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें यही मेन क्लास, देखिए जब भी हम कोई जावा प्रोग्राम राइट डाउन करेंगे, तो वहाँ पे जावा प्रोग्राम राइट डाउन करने के बीच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब हम प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला जो लाइन होता है, सपोज कि हमने जावा प्रोग्राम राइट डाउन किया, जिसका काम क्या है कि प्रिंट करवाना, क्या गुड। तो जब भी हम जावा प्रोग्राम राइट डाउन करें, तो सबसे पहला जो कीवर्ड होता है पब्लिक क्लास मेन, यानी कि हमें क्लास क्रिएट करना होगा और उसके अंदर एक मेथड और देखिए यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट किया, और जब भी आप जावा प्रोग्राम को लिखें, उसकी प्रॉपर सिंटैक्सिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रॉपर सिंटैक्सिंग नहीं करेंगे फिर आपको प्रॉब्लम होगी। और जब भी कोई सिंटैक्स एंड होता है, जैसे यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा पब्लिक क्लास मेन, और इस क्लास का मोटिव क्या है, गुड प्रिंट करवाना है, यानी कि हमने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा जिसमें हमें गुड को प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं, कहीं पर भी सेव कर लेते हैं, सेव एज, सपोज करिए हमने ई ड्राइव में सेव कर लिया, वेयर वी सेव इट, सपोज करिए हमने कहाँ पे सेव कर लिया, उस लोकेशन को चूज कर लेते हैं, पीसी ई ड्राइव, ठीक है।
अब यहाँ पे जब ई ड्राइव में सेव करेंगे तो इसका नाम रख देते हैं हम लोग, मोस्टली जो इसका नाम रखते हैं तो जो मेन क्लास है इसी के नाम पे रखते हैं, जैसे मेन जो क्लास है ठीक है, हमने मेन डॉट जावा इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे। जैसे आप मेन डॉट जावा डबल इनवर्टेड कोट्स के अंदर जब रेड ऑन करेंगे तो होगा क्या, ये प्रोग्राम जो है देखिए यहाँ पे सेव करने के लिए आप मैंडेट नहीं कि आप ई में सेव करें, जहाँ पे चाहे वहाँ पे सेव कर लें, लेकिन उसको जब रन करवाना होगा तो उसका पाथ वहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो मेन डॉट जावा हमने रन करवा लिया, ठीक है सेव कर लिए हम। तो हमने क्या किया, जैसे हमने आपको बताया था कि हमें अगर कोई जावा प्रोग्राम लिखना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम किसी एक एडिटर को ले सकते हैं। देखिए एडिटर को हमने क्या लिया, वी कैन टेक एडिटर एज नोट पैड, नेट बीन्स या अपैचे नेट बीन्स। तो हमने नोट पैड को भी सेलेक्ट किया हुआ है और हमारे सिस्टम पे अपैचे नेट बीन्स है, तो इसके माध्यम से भी करके दिखा देंगे कि कैसे होगा। ठीक है, तो हमने जावा प्रोग्राम को राइट डाउन कर लिया नोट पैड पर। सिंपल प्रोग्राम है जो क्या करेगा, गुड को प्रिंट करेगा, एक बस इसमें इतना ही प्रिंट करना है, यानी कि केवल गुड लिखेगा। ठीक है, वेरी सिंपल प्रोग्राम, और इसको हम रन करवाते हैं। हम ई ड्राइव में ऑलरेडी हैं। देखिए यहाँ पे जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए और दो लाइन और इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। यानी जब भी जावा प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसमें दो कीवर्ड्स होते हैं, फॉर कंपाइलेशन वी यूज़ जावा सी फाइल नेम। यानी कि यहाँ पे जो हमने जावा प्रोग्राम लिखा हुआ है इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कंपाइलेशन, और कंपाइलेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जावा सी और फाइल नेम डॉट जावा। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्या, जावा सी। जावा सी इसके बाद फाइल नेम डॉट जावा। फाइल नेम क्या है आपका, मेन मेन डॉट जावा, रन करवाते हैं। अगर कोई इरर होगा तो यहाँ पे दिखाएगा, अगर नहीं होगा ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया। मान चलिए अगर हम यहाँ पे कोई इरर सिंटैक्स इरर जनरेट करते हैं, सपोज कि हमने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया, तब क्या होगा, सेव कर देते हैं फाइल को। ठीक है, फिर से इसी कोड को रन करवाते हैं। अगर कोई इरर होगा तो हमारा प्रोग्राम उस इरर को आइडेंटिफाई करेगा। देखिए यहाँ पे वन इरर आइडेंटिफाई हुआ, देखिए यहाँ पे ये जो इरर है, यहाँ पे वन इरर, इरर क्या है, एक गुड यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, प्रॉब्लम है, दिस इज प्रॉब्लम एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे सेमी कॉलन मिस है जो आपने नहीं लगाया, तो हम यहाँ पे इसको लगा लेते हैं। यानी कि जब हम कंपाइल करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे जब हम प्रोग्राम का कंपाइलेशन करते हैं तो होता क्या है कि ये जो जावा कंपाइलर है, जस्ट लुक एट हियर, इसके पहले वाला है, जब प्रोग्राम को कंपाइलर से कंपाइल करते हैं तो जावा कंपाइलर हमारे क्लास लाइब्रेरी को वॉच आउट करता है, यानी क्लास लाइब्रेरी को कॉल करता है कि जो प्रोग्राम लिखा हुआ है क्या उसके सिंटैक्स प्रॉपर है या नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग जावा लाइब्रेरी से कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो उस पर्टिकुलर फाइल पे इंप्लीमेंट होती हैं, उस फाइल पे रन होती हैं, उसके रिगार्डिंग उस फाइल को चेक किया जाता है कि जो प्रॉपर सिंटैक्स प्रॉपरली है या नहीं है, यानी कि जिस फॉर्मेट में जावा का प्रोग्राम लिखा जाना चाहिए उस फॉर्मेट में लिखा हुआ है या नहीं है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो इरर वहीं पर जनरेट करेगा। देख रहे हैं आप यहाँ पर इरर, यहाँ पर आपको इरर दिख रहा है, यहाँ पर दिस इरर इज ड्यू टू द जावा लाइब्रेरी, यानी कि जावा लाइब्रेरी है उसको आइडेंटिफाई करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इरर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगा देते हैं, सेमी कॉलन लगा के इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। ठीक है, सेव कर लिया, और सेव करने के बाद इसको फिर से हम लोग एक बार रन करवा लेते हैं। देयर इज इरर, नो इरर,
तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका क्या हो चुका है। देखिए, आपने प्रोग्राम कंपाइलेशन के लिए जावासी का यूज़ किया, यानी कि क्या हो गया आपका जावा प्रोग्राम, जावासी ने क्या कर दिया आपके प्रोग्राम फाइल को जावा में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि जावा फाइल है। कंपाइलेशन के बाद क्या जनरेट होता है, क्लास फाइल। क्लास फाइल इन द सेंस कि फाइल नेम डॉट क्लास, ये जनरेट होता है। यानी कि अगर आपने मेन मेथड क्रिएट किया हुआ है, यानी कि मेन क्लास मेन है ना, मेन फाइल आपके फाइल का नेम है, तो अगर आपने इसको कंपाइल किया तो क्या जनरेट होगा, मेन डॉट क्लास। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट काम आता है जेबीएम का, जो क्लास फाइल है उसको जेबीएम रन करवाएगा। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का पार्ट है। और अब देखिए यहाँ पे, जब जेबीएम रन करवाएगा तो उसको उसके पास ये अपनी क्लास लाइब्रेरी होती है। अगर मान लीजिए कि आपके मशीन पे है, तो आपने जेडके इंस्टॉल किया हुआ, तो वहाँ पे क्लास लाइब्रेरी होगी, जेबीएम भी होगा, कंपाइलर भी होगा। लेकिन अगर डेस्टिनेशन मशीन पे, जहाँ पे हम प्रोजेक्ट को डिप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में वहाँ पे क्या होता है, जेआरई होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो उसमें क्लास लाइब्रेरी होती है और जेवीएम होता है। ठीक है, तो क्लास लाइब्रेरी के रिगार्डिंग उस जेवीएम मशीन जो कोड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है कि प्रॉपर है या नहीं है, इसके बाद उनको रन कराया जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको रन करवाएंगे, और रन करवाने के लिए कमांड्स क्या होती हैं, यहाँ पे रन करवाने के लिए यानी कि जेवीएम को कॉल करने के लिए वी यूज़ द जावा कीवर्ड। ठीक है, जावा फाइल नेम, तो हम इसको कंपाइल करते हैं, जावा। तो इसको कैसे कॉल करते हैं, मेन डॉट जावा है तो हम यहाँ पे केवल मेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, इसको इंटर की करते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे इंटर की प्रेस किया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे गुड, तो ही तो उन्होंने प्रोग्राम लिखा था गुड प्रिंट करवाने के लिए, देख रहे हैं, एक गुड वाला प्रोग्राम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यानी कि गुड को प्रिंट करने के लिए। तो इस तरीके से जो भी प्रोग्राम आप राइट डाउन करना चाहें, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर आपके पास नेटबीन्स नहीं है, तो आप नोटपैड ओपन करके प्रोग्राम को राइट डाउन कर लीजिए, प्रोग्राम को सेव कर लीजिए, और सेव करने के बाद उसको कंपाइल करके रन करवा लीजिए। और दूसरा तरीका है आपका जावा नेटबीन्स के थ्रू। तो नेटबीन में जाएंगे, तो नेटबीन्स में आप जाके आप एक काम करिएगा कि यहाँ पे जाएगा प्रोजेक्ट में, सबसे पहले काम आपका क्या होगा, इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, पहला काम आपका होगा कि हम लोग जाते हैं यहाँ पे अपाचे नेटबीन्स। देखिए, अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको नेटबीन्स इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी नेटबीन्स इंस्टॉल होता है। अगर नहीं इंस्टॉल है, जैसे आप कोई दूसरा वर्जन विंडोज 7 या विंडोज 8 यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको नेटबीन्स अलग से इंस्टॉल करना होगा। तो आप नेट से डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप अपाचे का भी नेटबीन्स है तो उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, नेटबीन्स क्या होता है, एक कंप्लीट इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो बहुत सारे वर्क आपको मैनुअली करने होते हैं, वो सब नहीं करने होते हैं डायरेक्टली। आप देखिए, यहाँ पे इसको हमने ओपन कर लिया नेटबीन्स, इस टाइप का सामने आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, वेयर इट्स गॉन। आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होगा, तो उस इंटरफेस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आप जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि इसमें जो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको इसमें एडिटर भी प्रोवाइड करता है, यानी कि प्रोग्राम राइट डाउन करने के लिए, एडिट करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए, देखिए न्यू प्रोजेक्ट किया, न्यू प्रोजेक्ट में कौन सा क्रिएट करना है, तो यहाँ पे जावा क्रेडिट चूज़ कर लेंगे, और जावा एप्लीकेशंस अगर आपने अपाचे यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, चूज़ करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम जो आपको देना हो, तो नाम दे दीजिए, इसके बाद फिनिश कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एक मेन क्लास का नाम पूछा गया है, तो मेन क्लास का नाम आप दे सकते हैं, या यहाँ पे मेन दिया हुआ है तो आप चाहें तो कुछ और भी दे सकते हैं, हम इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, देखिए जेडीके, सॉरी
नेट बैंकिंग यूज़ करने से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। आसान होने का मतलब कि हमें यहीं पे कोड भी राइट डाउन करना है और कोड राइट डाउन करके हमें यहीं पे रन भी करवाना है, यानी कंपाइलेशन और रनिंग दोनों चीज़ें एक साथ अवेलेबल होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक प्रोग्राम है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे एडिटर भी है, और जब इस एडिटर में जैसे यहाँ प्रोग्राम लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ नहीं हुआ है, सपोज कि हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, तो यहीं पे राइट ऑन कर लेते हैं। इसी कीवर्ड को ठीक है, यानी कि इसमें भी हमने एक प्रोग्राम लिखा, सिंपल प्रोग्राम लिखा पब्लिक क्लास में, बिल्कुल देखिए वही प्रोग्राम है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये फंक्शन होगा उसके अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन, यहाँ पे हम लिखा गुड। यहाँ पे हम लिखा गुड वर्क जावा, ठीक है, हमने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा गुड वर्क जावा। तो आपने जो प्रोग्राम लिखा तो आप इसको सेव कर सकते हैं, सेव करने के लिए सेव का बटन दिया हुआ है, हमने सेव कर लिया, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हमें रन करवाना है, तो रन करवाने के लिए आप पीछे वाले उसमें देखें तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना होता था, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद आपको जावा सी करना पड़ता था, फाइल का नाम देना पड़ता था, सारी चीज़ें करनी होती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली ये देखिए रन का बटन है, ठीक है। आप इस रन बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो करेगा क्या, इस प्रोग्राम को आपका रन करवा देगा, और देखिए यहाँ पे और आपका प्रोग्राम जो कंपाइलेशन है रन करने के बाद आपको आउटपुट भी यहीं पे मिल जाएगा, यानी कि आउटपुट विंडो में आपको आउटपुट मिल जाएगा, आपको प्रोग्राम रन करवाने की जरूरत नहीं। इसमें जो सिंटैक्स एरर होगा उसको भी आइडेंटिफाई करेगा, सपोज करिए कि अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं प्रोग्राम में, यहाँ पे इसको सेव करते हैं, वी सेव इट, रन इट। तो जैसे आप रन करने जा रहे हैं, एक्सक्यूटेड क्या हो रहा है, एन एक्शन एक्सक्यूटेड, देखिए यहाँ पे जैसे अगर कोई एरर होगा डायरेक्टली आपका एडिटर ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि आप यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं मतलब आप यहाँ पे कोई ना कोई गलती कर रहे हैं, तुरंत आपको हाईलाइट कर देगा कि आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, जिसको सुधार लीजिए। लेकिन इस एडिटर में ऐसा नहीं हो पाता है, किसमें, नोटपैड में, क्योंकि नोटपैड ऐसा कुछ फीचर्स प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल सेम है कि सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पे JDK इंस्टॉल करना होगा, इसके बाद सिस्टम वेरिएबल में जाके आप वेरिएबल में जाके इसका पाथ सेट कर दीजिए जैसे आपको बताया गया, इसके बाद आप जावा प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। और आई होप अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्लास में आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये लेक्चर बेसिकली जो डिवेटेड था वो था प्रैक्टिकल वर्क के लिए, और एक्चुअली जावा नया कंसेप्ट आप लोगों के लिए है, तो स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स होंगे, यानी कि अगर आपने एक सिंपल जावा प्रोग्राम राइट डाउन कर लिया तो फिर आप बाकी जावा प्रोग्राम राइट डाउन करते रहेंगे, कोई कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। ओके, थैंक यू, आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो क्लास में या फिर कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।